दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा कि हमने डिस्प्ले या इनलाइन या ब्लॉक को कैसे यूज करते हैं, अब हम नेक्स्ट सीखने वाले हैं यहाँ पे ओवरफ्लो। ओवरफ्लो क्या होता है उसको दिखाने के लिए पहले मैं आपका पेज खोल रहा हूँ, लास्ट पेज से रिलेटेड ही है। इसमें सिर्फ एक सिंबल डिव है, इस डिव के अंदर में इसमें देखेंगे ये हेडिंग है, हेडिंग के नीचे यहाँ पे एक पैराग्राफ, उसी के बीच में एक इमेज है, ठीक है, जो मेरी खुद की फ़ोटो है। अब हम आते हैं इसके कोडिंग के ऊपर। सॉरी, तो आप देखेंगे ये कोडिंग है, कोडिंग के अंदर, और ये साथ में आपका इसका ये सीएसएस है। तो हम यदि बात ओवरफ्लो की करते हैं तो ओवरफ्लो बेसिकली किस इस्तेमाल में आता है, इसमें एग्जांपल देकर देखता हूँ। जैसे मान लीजिए एक डिव है, इस डिव की मैंने हाइट दे रखी है, यहाँ पे देखें यदि तो 500 पिक्सल की इसकी हाइट है और विड्थ इसकी 600 पिक्सल है, और यहाँ पर ये कंटेंट पड़े हैं। अब मान लीजिए इसी कंटेंट को मैं यहाँ पर रिपीट करता हूँ, यानी कि इस कंटेंट को थोड़ा हम बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ तक ये कंटेंट यहाँ पे है, और मैंने क्या किया कि लास्ट में आके इस कंटेंट को मैंने 3 बार रिपीट मार दिया, कंट्रोल एस से सेव किया। सेव करते आप यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि जो हमारा डिव है, डिव का एरिया ये है, और जब कंटेंट ज़्यादा हुआ तो वो ऑटोमेटिक नीचे स्क्रॉल हो गया, यानी नीचे वो कंटेंट ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो जैसा नाम से समझ में आ रहा होगा, तो ये ओवरफ्लो हो रहा है। तो इससे बचने का एक तरीका क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि जिस डिव के प्रॉपर्टी, जिस डिव के ऊपर में हमें लगानी है ओवरफ्लो प्रॉपर्टी, हम इस डिव पे गए यानी बॉक्स वन पे, हमने यहाँ का कि जो भी ओवरफ्लो इसका होगा उसको आप हिडन कर दो, राइट। हिडन करते देखेंगे यहाँ पे कि जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट थे वो ऑटोमेटिक यहाँ से गायब हो गया। अब आप बोलेंगे गायब हो गया तो सही है नहीं, मुझे दिखना चाहिए चाहे जितना बड़ा भी हो, ठीक है। तो हिडन, जिस तरह से हिडन हिडन कर दिया, यही हिडन की जगह यदि हम विजिबल कर दें तो ये फिर से अगेन वापस भी आ जाता है। तो विजिबल और हिडन दो प्रॉपर्टी ये हो गई। तीसरा ओवरफ्लो की एक प्रॉपर्टी और होती है, और वो होती है इसमें स्क्रॉल। मैंने क्या किया, इसको स्क्रॉल कर दिया, तो स्क्रॉल करते यहाँ पे आप देखेंगे टॉप टू राइट है ना, सॉरी टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे स्क्रॉल बार आ गया, जबकि टॉप टू बॉटम तो यहाँ पे नीड थी, लेकिन देखा जाए तो लेफ्ट टू राइट के यहाँ पे नीड नहीं थी, फिर भी स्क्रॉल बार यहाँ पे आ गया, राइट। तो जब हम ओवरलोड स्क्रॉल करते हैं तो जितना चाहे उतना छोटा विंडो रख करके उसके अंदर में स्क्रॉल करके हम कोई भी बड़ी से बड़ी फाइल दे सकते हैं, कोई भी स्क्रॉल करके बढ़ सकता है, आप लोग वेबसाइट पर देखते होंगे अक्सर। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक क्या है इसका मैं दिखाता हूँ कि मान लीजिए इस कंटेंट को, ये जो कंटेंट है इसको मैं एक बार कम करता हूँ दोबारा फिर से, अब इसको कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, डिलीट किया और सेव किया। आप देखिए यहाँ पे कंटेंट तो हमारा यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये स्क्रॉल बार है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है बेसिकली। यदि मेरे डिव के अंदर में मेरा टोटल कंटेंट है तो स्क्रॉल बार होने की ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसे कंडीशन पे जो हमने यहाँ पर लगाया था ओवरफ्लो स्क्रॉल, स्क्रॉल की जगह में यहाँ पे प्रॉपर्टी दे सकते हैं ऑटो। ऑटो देते क्या होता है कि ऑटोमेटिक ये सेंस करता है यदि इस डिव के अंदर में कंटेंट सही है तो स्क्रॉल बार नहीं है, लेकिन इस डिव के अंदर जाके हम यहाँ पे यदि हम कंटेंट बढ़ा दें, ये देखिए बढ़ा दें, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे स्क्रॉल बार ऑटोमेटिक आ गया, और वो भी देखें टॉप टू बॉटम आया है, लेफ्ट टू राइट नहीं आया क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। यदि बाई चांस लेफ्ट टू राइट की ज़रूरत भी होती तो वहाँ से भी आ जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ओवरफ्लो कितना यूजफुल है कि आप कोई बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन किसी को देना चाहते हैं तो एक छोटी सी जगह में ही उसको आप दे सकते हैं। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये ओवरफ्लो टैग भी कायदे समझ में आ गया होगा। यदि कोई क्वेश्चन आपका बनता है तो आप मेरे फेसबुक पेज पे या मेरे यूट्यूब के चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा कि इसको रिप्लाई करूँ, इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। वंस अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ कीप शेयरिंग माई वीडियोज़, मेरी वीडियोज़ को आप लोग शेयर करें, प्रमोट करें, बिकॉज लास्ट कुछ 2-2.5 महीने से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था बिकॉज ऑफ दैट कि यार सब लोग सिर्फ देखते हैं लेकिन शेयरिंग कोई करता नहीं है, और अब मेरे चैनल की पॉपुलरिटी इसी से होनी है जब आप लोग शेयर करेंगे। तो प्लीज़ वंस अगेन शेयर करिए, शेयर करिए, जिससे मुझे, मैं एक्साइट हूँ और अच्छे वीडियोस डालने के लिए। बिलीव मी फ्रेंड, बहुत सारी प्लानिंग्स है, बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारे सेक्शन है मेरे पास में डालने के लिए, जो कि ऑलरेडी मैं बना बना के बेच रहा हूँ ऑफलाइन, लेकिन यहाँ पर डालने के लिए आपको मेरा सपोर्ट करना होगा तब मैं डालूंगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।